फ्रेंड्स, स्वागत है आपका देश में डिजाइनर चैनल पे। आज मैं आप लोगों को बेबी फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। इसके लिए मैंने शॉर्ट हैंड कपड़ा लिया है, ये पेस्टिंग का बक्रम लिया है और ये स्मोकिंग डिजाइन मैंने बनाई है जिसके पीछे मैंने पेस्टिंग पेपर पेस्ट कर लिया है। इसकी लंबाई मैंने 11 इंच रखी है, चौड़ाई 8 इंच रखी है, ऊपर से 5 इंच है और अलमोड भी 5 इंच है। फिटिंग 6 इंच की लगाई है, आप अपने अकॉर्डिंग नाप लगा सकते हैं। पीछे का भी इसी तरह सेम काट लिया है। अब हम नीचे का घेर काटेंगे। इसके लिए मैंने बचा हुआ कपड़ा ले लिया है, इसे बीच से कट कर लिया है। एक आगे का रहेगा, एक पीछे का रहेगा। इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको दिखा देती हूँ। घेर की लंबाई मैंने 23.5 इंच रखी है, चौड़ाई भी देख लीजिए आप, सिर्फ एक पल्ली की चौड़ाई 42.5 इंच है। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। 2 इंच चौड़ाई रखी है, 4 इंच लंबाई रखी है। हम सिंपल गोल नेक ही बनाएंगे, इसमें वही इसमें अच्छा लगेगा। बच्चों पे वैसे भी सिंपल ही अच्छा लगता है। मैंने कट कर लिया। अब पीछे का नेक भी हम इसके बाद कट कर लेंगे। चौड़ाई हमारी सेम रहेगी 2 इंच। लंबाई में हमें चेंज करना है, लंबाई मैंने इसमें 2.5 इंच रखा है, इसे काट लिया। अब हम सबसे पहले इनके कंधे शोल्डर जोड़ लेंगे। तो ये मैं शोल्डर पे सिलाई लगा दे रही हूँ। दूसरा शोल्डर भी इसी तरह से जोड़ लेंगे। अब इसको इस तरह से खोल लेंगे और इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग की सहायता से नेक बनाएंगे। अब मैंने तिरछा कपड़ा काट लिया है, मुझे सीधा कपड़ा नहीं काटना है। पाइपिंग के लिए हमें तिरछा कपड़ा काटना है। ये लगभग 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा है, 1.5 इंच से ज़्यादा चौड़ा नहीं लेना। अब इसे हम लगाएंगे। सबसे पहले हम इसे उल्टा कर लेंगे और उल्टे साइड से लगाएंगे। सिंगल इस तरह से थोड़ा सा ऊपर से फोल्ड करते हुए 1/2 इंच की दूरी पर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे हम पूरे में। इसे हम आगे पीछे पूरे नेक में लगा लेंगे। इस तरह से क्या होगा, हमारा आगे पीछे दोनों नेक बन जाएगा। तो मैंने बना लिया। अब हम इसे पीछे आगे की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से फोल्ड करके पूरे में सिलाई लगा लेंगे। धीरे धीरे करके मोड़ते हुए मैं पूरे में सिलाई लगा लिया है। अब हम पीछे की डोरी बनाएंगे बांधने के लिए रिबन। इसकी चौड़ाई 2.5 इंच और लंबाई 14 इंच है। इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। आगे से थोड़ा नोकदार काटा है और इसमें इस तरह से बस सिलाई लगा लेंगे। मैं सिलाई लगा लिया। अब इसी तरह से हमें दूसरा भी बना लेना है। अब इसे पलटा लेंगे किसी भी चीज की सहायता से। मैंने पेचकस की सहायता से पलटा लिया है। अब हम पहले इसे सीधा करेंगे। पहले से ही डोरी सिलाई वाला साइड ऊपर रहेगा, तो साइड से सिलाई मार लेंगे ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो और आसानी से सही जगह पे लग जाए दोनों डोरियाँ। अब इसके बाद हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। फिटिंग में सिलाई लगाएंगे। ये मैं फिटिंग पे सिलाई लगा रही हूँ। अगर आप स्मोकिंग डिज़ाइन सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा ताकि मैं आपके लिए स्मोकिंग डिज़ाइन की वीडियो बनाऊं।
वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे समझ में आए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें, ये सिलाई फिटिंग लगा ली। अब हम आर्म होल पर भी मैंने वैसे ही पाइपिंग लगा ली है जैसे नेक पे लगाई थी। अब हम नीचे की घेर की सिलाई मारेंगे। साइड्स पहले हम सिल लेंगे, एक साइड पहले सिलेंगे उसके बाद प्लेट बनाएंगे, उसके बाद फिर दूसरा साइड सिलेंगे। तो पहले मैं एक साइड सिल रही हूँ फिर प्लेट बनाना सिखाऊंगी। ये मेरा एक साइड सिल गया है, अब इसको एक साइड से हम प्लेट बनाएंगे इस तरह से। बस ऐसे ही बना लेंगे, फिर पूरे घेर में हम प्लेट बना लेंगे। ये मेरी बन गई है। मैंने बगल से जो दूसरा साइड था उसको भी सिल लिया है, इसको सीधा कर लेंगे। अब इसे ऊपर वाली कोटी में अटैच करना है हमें। ये देखिए कितनी अच्छी प्लेट बनी है। अब कोटी को लेंगे हम और इसमें इस तरह से रख कर अटैच कर लेंगे। ये मैंने अटैच कर लिया कुटी में। लगभग हमारी फ्रॉक तैयार हो गई, बस अब नीचे का फोल्ड करना है। अब इसे नीचे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। आप इसमें पीको भी कर सकते हैं, मशीन से भी फोल्ड कर सकते हैं। मैं मशीन से फोल्ड कर रही हूँ। पूरे घेर को नीचे को पतला पतला फोल्ड कर लेंगे। ये मेरा पूरा घेर फोल्ड हो गया है, बस हमारी फ्रॉक रेडी। प्लीज़ आपको ये पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की लिंक मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।